सामने आपको जो सड़क दिख रही है बैरिकेटिंग के आगे, वहां से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी और मस्जिद के सामने जैसे ही शोभा यात्रा पहुंचती है, उस दौरान मस्जिद के ऊपर से खड़े इमाम इस पूरे विजुअल को देख रहे थे। उन्होंने विजुअल को देखा कि नीचे आप शोभा यात्रा पहुंच गई है, तुरंत अंसार को आदेश दिए कि आप नीचे जाइए, लोगों से बातचीत करिए, उनसे बहस करिए। चार से पांच लोग जाते हैं शोभा यात्रा में, अंसार के मृत्यु में बहस करते हैं और उसके तुरंत बाद हजारों की तादाद में भीड़ भाड़ कर निकल कर आती है। पुलिस ने जहांगीरपुर हिंसा में कई दंगाइयों को धर दबोचा है और कईयों की तलाश जारी है, लेकिन जांच के दौरान जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। और मस्जिद आप देख रहे हैं, उसके नीचे भी सैंपल कलेक्ट किए गए थे, मस्जिद के अंदर से सैंपल कलेक्ट किए गए थे और उनकी मस्जिद के ऊपर सूत्र हमारे बताते हैं कि इमाम वहां से मौजूद रहे और वहीं से पूरा बवाल शुरू हुआ है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मस्जिद के इमाम ने हिंसा भड़काने में अहम किरदार निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।